आपको एक बात बताऊं कि हैदराबाद की तारीखी हैसियत है, कराची की कोई तारीखी हैसियत नहीं है। यो ओके, दिस इज़ अ बैड सिनेरियो, दिस इज़ समथिंग आई डोंट वांट, लेकिन आई वांट टू जस्ट शो यू दिस। ये दिस इज़ लतीफ़ाबाद 10 नंबर मार्केट है सामने। आई एम गोना शो यू अ बिट ऑफ दिस। और यार आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं बहुत शॉर्ट एक ट्रिप के लिए आया था, वरना आई वुड शो यू मोर ऑफ दिस सिटी। इट इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी। कराची से अगर कंपैरिजन में प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यार यहाँ सुकून है। जो एक अफरा तफरी हमारे शहर में कराची में है वो यहाँ नहीं है। और आई वॉज इन द मार्केट ऑफ लतीफ़ाबाद 10 नंबर और आई मेट अप विद दिस रियली अमेजिंग मैन। सर अपना नाम बताइएगा। काजी अब्दुल जब्बार। काजी अब्दुल जब्बार। और माशाल्लाह से इनसे बात करके आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि इनका जो बोलने का एक तरीका है, जो इनका एक बात करने का तरीका है। मैं एक्चुअली वीडियो कर रहा था मार्केट की, क्योंकि जो अभी आप लोगों ने जो एक देखा होगा, जो एक राउंड ऑफ मार्केट का देखा होगा, इन्होंने मुझे बुलाया ही सेट कि आप क्या कर रहे हैं, वीडियोस बनाते क्या करते हैं। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा आप क्या करते हैं। आप मतलब ये दे तो आप दिख रहे हैं कि माशाल्लाह रिक्शा चलाते हैं आप। नहीं, मैं पढ़ा लिखा ऑटो ड्राइवर हूँ। पढ़ा लिखा ऑटो ड्राइवर। आपने क्या पढ़ा हुआ सर? मैंने बीए किया है। सिंपली बीए किया हुआ। यस। तो आप यहीं कराची, यहीं हैदराबाद में ही रहें? मैं हैदराबाद में ही, मेरा बॉर्न हैदराबाद का है। अच्छा। आई लिव इन लतीफ़ाबाद नंबर 10। इन लतीफ़ाबाद 10 नंबर में ही रहते हैं आप? माशाल्लाह दैट्स अमेजिंग। तो आप यहीं पे ही काम कर रहे हैं, अपने रिक्शे ही चलाते हैं, आप यहीं काम करते हैं? नहीं, पहले मैं जॉब करता था। पहले आप जॉब करते थे? हाँ, मुख्तलिफ जगहों पर जॉब करी मैंने। कोलगेट टाउन वाली में करी, माशाल्लाह में करी, कैंट ड्रॉप का स्कूल की खिला है, स्कूल का। अच्छा, माशाल्लाह। अभी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस बड़े बिगड़ गए हैं, ये तो आप ही समझते हैं। बिल्कुल सर, ख्याल बिल्कुल रखते हैं आप। देखें मास्क वगैरह का बहुत ज़्यादा मास्क लगाया हुआ मैंने, ये रखा हुआ अभी हटाया है मैंने। अपने हैदराबाद के बारे में बताइए थोड़ा सा लोगों को, इस बारे में बताइए कि हैदराबाद कैसा शहर है। लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि ये एक छोटा शहर है, एक छोटा वाला शहर है। आपको एक बात बताऊँ कि हैदराबाद की तारीखी हैसियत है, कराची की कोई तारीखी हैसियत नहीं है। अच्छा। वो कैसे है कि हैदराबाद की रबड़ी मशहूर, हैदराबाद की चूड़ियाँ बेंगल्स मशहूर, हैदराबाद की जील पार्क सीमेंट फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री, हैदराबाद का शाही बाज़ार एशिया का सबसे बड़ा शाही बाज़ार, का क्या क्या गिनवाऊँ आपको मैं। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह तफसील से आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। लंबा बाज़ार है शाही बाज़ार, अगर आपका जाना हो तो आप थक जाएंगे चल चल के। अच्छा। इतना लंबा है। चलिए ठीक है इंशाल्लाह, ज़रूर। किले से शुरू होगा ये, हैदराबाद के किले से, और आपको हैदराबाद तक चले जाएँगे आप। चलिए इंशाल्लाह, हम आए दोबारा, हमारा चक्कर लगा तो इंशाल्लाह आपको ही दोबारा एक वो देंगे, ये थोड़ा आप हमें घुमाएं। वाई नॉट, वाई नॉट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। कंटिन्यू करो आगे ब्लॉग को, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड बेस। अब मे बी थोड़ा टाइम और, मे बी आई विल बी गोइंग आउट, तो पीस आउट। यो ओके, नहीं दिस इज़ नॉट द नाइट टाइम, जस्ट फजर के बाद का वक्त है। एंड व्हाई एम आई आउट, एक्चुअली टुडे इज़ द डे आई एम गोइंग बैक टू कराची, तो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट द ड्राइवर। वो एक सर्टन पॉइंट पे खड़े हो गए कि सर मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट हिम बैक देयर हाउसेस। तो या अब साथ साथ लेके भी जाऊँगा कैसा, जस्ट वन लैम्प रिमेनिंग, जिससे लग रहा है कि अभी भी लाइक इट्स द नाइट टाइम, बट ऑल्दो इट्स नॉट एंड आई एम ऑल सराउंडेड विद डॉग्स। वेट सी दिस, मम्मी बचाओ।
I'll see you guys in the next time. Okay. Like the whole family is here, so ek APV ki zarurat to padegi na. Now we are like 6 people, so yeah, you know, you get it. अब मैं ज़रा चाय पी लूँ अपनी, वो ख़त्म कर लूँ एंड देन वी विल जस्ट मूव आउट, क्योंकि मेरी क्लास है अडेप्टेड तो मैं उसको मिस नहीं कर सकता. तो आई जस्ट गॉट टू गो गो. या स्ट्रेट फ्रॉम द ट्रैवल राइट. अच्छा वह ये था, हैदराबाद से मैं आ गया था बट मेरी क्लास का टाइम हो रहा था. आई वेंट इन, बैग निकाला, बाइक गैराज से बाहर निकाली एंड आई वेंट टू एप्टिक और अभी वहाँ से बाहर आया हूँ. इसीलिए हर वक्त ये मास्क भी देख रहे हो बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ अंडर द SOPs एंड ऑल ऑफ दैट. अच्छा एक छोटी सी बात है जो मैंने दिखानी थी, मैं कुछ शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टेल यू के जब आपको अपनी चीज़ों की कदर होती है ना, या यू लाइक यू लव समथिंग, यू टेक केयर ऑफ इट. मैं हैदराबाद जाने से पहले आई जस्ट क्लीन द होल बाइक कम्प्लीटली, लाइक फ्रॉम एवरी कॉर्नर एवरी एज ऑफ इट. एंड वेन आई केम इन, अब मैं बहुत थका हुआ था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इस पर कपड़ा मारूँ साफ करूँ, बट वेन आई केम इन और जब मैंने इसको गैराज से बाहर निकाला एंड इट वॉज ऑल लाइक शाइनी, सिर्फ थोड़ी सी जो डस्ट आ जाती वो थी, बट ओवर एंड ऑल साफ थी, तो एक अच्छा लग रहा था है ना. तो दैट वाज द थिंग एंड नाउ अब मैं थक गया हूँ क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ. जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है मैं जाग रहा था रात भर भी. वी वर ऑल लाइक हैविंग फन एंड ऑल दैट, तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, कर लो यार. SOPs का ख्याल रखें, मास्क पहने, ज़्यादा जब बाहर निकलें इस बात को एक लाजमी अपने लिए एक वो कर लें कि मास्क ज़रूरी है, बिकॉज द सेकेंड वेव ऑफ दिस COVID-19 इज़ गोना बी, जो सुनने में आ रहा है, कैन बी मोर हेक्टिक. और आपको बेशक ना कुछ हो, इफ़ यू आर यंगस्टर बेशक आपको ये इफेक्ट ना करें, लेकिन आपकी वजह से अगर किसी ओल्ड एज या किसी छोटे बच्चे को लगता है तो इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर देम. तो टेक केयर ऑफ इट, वेयर मास्क एंड कीप सैनिटाइजिंग योरसेल्फ, कीप वॉशिंग योर हैंड्स. अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो आप अपने हाथ धो सकते हो साबुन से, अपने हाथ दिन में ज़्यादा मरतबा धोएं एज मैक्सिमम एज पॉसिबल. और ख्याल रखें अपना और अपने घर वालों का. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज़. बाय.